वसुधैव कुटुंबकम, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम परिभाषित होने के बाद विश्वव्यापी रूप में चर्चा में जरूर है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि इसकी व्याख्या 3000 ईसा पूर्व रचित महा उपनिषद के लेखों में वर्णित है। मनुष्य ने जरूर इस धरती और आकाश को ना दिखने वाली लकीरें खींचकर सीमाओं में बांट दिया है, लेकिन प्रकृति तो एक ही है, वह असीमित है। उसको क्या सीमाओं में बांधा जा सकता है? आकाश में उड़ते बादल, उड़ान भरते पक्षी क्या किसी बंधन में बंध सकते हैं? जंगल में विचरण करते जीव किसी सीमा के मोहताज हैं क्या? क्या हम रोशनी को, हवा को, पानी को कभी रोक पाए हैं? जब जब जहां जहां इनको रोकने की कोशिश की गई है, सर्वनाश के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतवर्ष में आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की महत्ता को समझा गया है। आज पूरा विश्व भी इसकी परिभाषा से सहमत होता नजर आ रहा है। एक छोटे से परिवार से लेकर इस विश्वव्यापी परिवार में जीवन संचारित करने के लिए हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति ही ऐसी है। अगर पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, जहां विचारों का मतभेद तो हो सकता है पर एक दूसरे के प्रति संवेदना खत्म न हो, तो स्वर्ग कहीं और है। यह भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। पृथ्वी पर ना किसी अस्त्र की जरूरत रहेगी, ना किसी शस्त्र की, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर, और ना ही काले गोरे का भेद। बस एक ही धर्म होगा, इंसानियत का, प्यार का, भाईचारे का।